एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित सर। आज के ब्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। मैं हूँ सुचिता। एक्चुअली मैं अपने आप को पीछे सीजन में देख रही थी। यहाँ मैं रेडी हो चुकी हूँ, शर्ट जीन्स डाला है मैंने, क्योंकि यहाँ से हम लोग को निकलना है आगे आगे यानी राजस्थान। तो अभी हम लोग निकलेंगे, बट हम लोग पहले ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, जम्मू जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर मैंने ये पैक कर दिया बैग, ये मेरा ब्लेजर है जो मैं अभी कैरी करूँगी, और लड्डू के पापा वहाँ अपना बैग रेडी कर चुके हैं, यानी कि बैग नहीं रेडी किए हैं, पैकिंग मैंने किया, बट उसमें कुछ सामान रख रहे हैं वो टॉवल वगैरह। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, नेटवर्क यहाँ चलता नहीं है, मतलब हम लोग का सीन तो चलता नहीं है। पता नहीं इनके फ़ोन में कैसे फ़ोन कॉल्स वगैरह आ जा रहे हैं, तो घर वाले सब इनसे बात, मतलब इनके ही नंबर से बात बात कर पा रहे हैं। और आज मैंने अपना हेयर स्टाइल थोड़ा पहले की तरह किया है, जब ऐसे मैं कभी कभी किया करती थी, तो मुझे अच्छा लग रहा है। फटाफट से हम लोग निकलते हैं। मैं वीडियो अपलोड की हूँ, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाइए वीडियो देखिए, क्योंकि बहुत मेहनत से किया है, सारा वैष्णो देवी का है उसमें। तो आप लोग फटाफट से जाइएगा और पूरी वीडियो को देखिएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा। सो गाइज, यहाँ हम लोग अपने होटल मैनेजर के साथ ही, जिनका ये होटल था उनके साथ ही हम लोग निकल गए थे प्रसाद खरीदने, और प्रसाद वगैरह लिया भी। अखरोट वगैरह तोड़ने का ये तरीका वगैरह बता रहे थे हम लोग को, तो आप लोग को आगे दिखेगा। आप जब जम्मू में ऐसे निकलिएगा तो आपको हर जगह ऐसे कोई ना कोई मार्केट मिलेगा, फल का मिलेगा, प्लस शॉल वुलन इन सब का मिलेगा। यहाँ कुछ रोड वगैरह कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो हम लोग जल्दी जल्दी गए, क्योंकि हम लोग को काफ़ी लेट भी हो रहा था। 5 बजे की बस थी, बट मैंने इनको बोला था 4 बजे की बस है, मतलब 4 बजे ऐसे बोला, एक्चुअली 6 बजे की थी, मैंने 5 बजे बोला था। तो हम लोग जल्दी से निकले थे यहाँ से, ताकि हम लोग जल्दी जल्दी अपना शॉपिंग वगैरह कर ले। लेकिन आप लोग जब जाइए तो एक दिन का टाइम लेके जाओ। हम लोगों ने भी एक दिन का टाइम लिया था, लेकिन आई थिंक थोड़ा सा मतलब उतरने की वजह से थकान हो जाता, क्योंकि पैदल ही उतरे थे हम लोग, तो थकान हो गई थी काफ़ी मतलब। लेकिन आप लोग अगर टाइम लेके जाओगे तो ज़्यादा होगा, और मेरे को तो आगे भी राजस्थान जाना था, इसलिए हम लोग पूरा चढ़ाई उतराई सब कुछ पैदल नहीं किए। बिकॉज़ एक बार मैं बड़े होने के बाद ही गई थी पैदल, तो मेरा पैर पूरा स्वेल हो गया था उतरने के बाद, और वो एक दिन बाद पता चला जब गर्म पानी में हम लोगों ने ऐसे रखा पूरा पेन रिलीफ करने के लिए, तब पता चला कि यार इतना ज़्यादा पेन होता है, और फिर आगे नहीं चल पाए थे। लेकिन आगे 2 दिन मैं रेस्ट की थी वहाँ पर। तो आप लोग अगर जाते हैं तो थोड़ा टाइम लेके जाओ, या फिर आप लोग उसे अकॉर्डिंगली ही मैनेज करो। तो यहाँ से हम लोगों ने लिया था ड्राई फ्रूट्स वगैरह। अब गाइस ये देखिए, अखरोट तोड़ने का तरीका हम लोगों को बता रहे हैं, कि आप लोगों को कैसे पता चलेगा कौन सा मतलब सही है और कौन सा आप लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। एक पत्थर वाले आते हैं जिनसे आप एक अखरोट से दूसरे अखरोट को तोड़ सकते हैं, अदरवाइज जैसे पत्थर से ये तोड़ तोड़ के देख रहे हैं। तो देखिए ये भी दाना पूरा का पूरा बाहर आता है, इसमें भी कहीं कोई कमी नहीं आती है। तो कौन सा दासी होता है, ठीक है? नहीं अब सही में हम बताते हैं। और ये जो है पत्थर से तोड़ने वाला नहीं है, ये वाला हाथ से भी तोड़ सकते हैं, ये वाला आप हाथ से भी तोड़ तोड़ सकते हैं, ये हाथ से टूट गया। रेट क्या होता है? रेट भी जस्ट सही है। हाथ से बिल्कुल हाथ से तोड़ने वाला, इसका जो है 400 है फाइनल। भैया इसका क्या हुआ है, इसका क्या हुआ है? ये 300 लास्ट क्या ऊपर वाला? हां ठीक है, ये 400 है। हां सही सही रेट लगाइएगा भैया, ये फिक्स हो गया, ये आगे नहीं बोला, ये इनका फिक्स है, ये 300 फिक्स, ये 400 फिक्स, इससे एक पैसा नीचे नहीं है। हमने नहीं बोलना था, बट खुद आपसे स्पेशल। सो गाइज, यहाँ पे हर साइज़ में आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप लोग को छोटे से उसमें लेके जाना है इंडिविजुअल के लिए तो लेके जा सकते हैं, और बड़े बड़े में लेके जाना है तो लेके जा सकते हैं। बहुत सारे शॉप हैं, लेकिन ये हम लोगों का एक ऐसी शॉप है, क्योंकि हम लोगों ने लिया यहाँ पर, खा के हम लोगों ने टेस्ट किया, वहाँ पर इतने सारे हम लोगों ने देखा, ये तोड़ तोड़ के देख लिया हमने, और सारे के सारे अखरोट सही आ रहे थे। तो हम लोग तो ले रहे हैं भाई 5 kg। आप लोग आइए, और जब भी आप लोग को लेना है आप लोग भी ले सकते हैं। स्पेशल डिब्बे से स्पेशल डिब्बे से निकाला, उधर से मेरे को कुछ कुछ सामान भी लेना है घर के लिए, तो अभी ये भी। तो यहाँ से मैं कुछ चूड़ी वगैरह लूँगी भाभी के लिए, दोनों भाभी के लिए, मम्मी के लिए और खुद के लिए, चूड़ी बिंदी सिंदूर। और तो गाइज ये वाली चूड़ियाँ मैंने ले ली हैं भाभी, मम्मी और मेरी दोनों ननद के लिए, और एक मेरी जेठानी मतलब मेरी भाभी जी के लिए। तो ये ले लिया है सबके, सबको देने के लिए। और
ज्यादा सामान हम लोग कैरी नहीं करेंगे बिकॉज बेबी भी है, ट्रैवल भी करना है, फिर शादी खुद ज्यादा हो जाएगा। लड्डू को हॉर्स के साथ फोटो खिंचवा रही थी और तब तक लड्डू मुड़ के देख ही रहा था अभी हॉर्स को। सो गाइस फाइनली हम लोग जम्मू पहुंच गए हैं। हम लोग को हो रहा था लेट तो हम लोगों ने अभी कुलचे पैक किए हैं यहाँ पे और हमारी बस वहाँ लगी हुई है तो हम लोग निकलते हैं फटाफट से। कैसा है सोयाबीन कुलचा? लो 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 पानी खरीद लेते वेरी गुड। सो गाइस ये है भवन जाने का रास्ता। अब जब मैं यहाँ से निकल रही थी मुझे इतना मतलब अजीब मन में ये लग रहा था और जाने के पहले ही भैया ने ऐसा गाना बजा दिया था अपने गाड़ी में कि मुझे रोना टाइप भी आ रहा था। और फिलहाल हम लोग निकल गए थे और बहुत अच्छा भी लगा, जम्मू से भी वापस आ गए हम लोग अजमेर। हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं, ट्रेन यहीं से खुलती है तो अभी टाइम है खुलने में। लड्डू लड्डू मम्मा को भी दे दो। आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग कैसा लगा इसका। हिम्मत नहीं हो रहा।